सीएम नीतीश से आरजेडी ने इस बीच अपील की है। मनोज झा जो कि सांसद हैं, उन्होंने कहा कि संशय दूर करें नीतीश, आज शाम तक सारे संशय क्लियर करें, इससे जनता में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यह मनोज झा का बयान। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, ये कम दिलचस्प नहीं है कि मनोज झा को मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा है कि नीतीश कुमार संशय दूर करें। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से असमंजस की स्थिति अभी है वहां गठबंधन की, जिसकी सरकार है। सीधे मैं निधि के पास आपको लिए चलता हूं। निधि जहां हमारे साथ जुड़ गई है पटना से। निधि, नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी क्या नहीं कह रहे थे? पानी पी पी कर कोस रहे थे जब अलग हुए थे, और अब कह रहे हैं कि परमानेंट कुछ नहीं होता, हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। मतलब लगभग ये मान लिया जाए कि अब सीएम के तौर पर नीतीश कुमार तो खैर रहेंगे ही, लेकिन क्या डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।